आज बनाते हैं विल्ड डोर। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले बताएंगे इम्पोर्टेंट आइटम में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। ये एक देखिए, घंटी और बैटरी ले ली, मोटर ले लिया, एक प्लेट भी ले लेते हैं। और ये सबसे पहले घंटी लेते हैं, इसको इस तरीके से फिट करेंगे। क्लिप है, ये साइकिल की दुकान पर ये सारे आइटम मिल जाएगा आपको। ये सब बाहर कर दिया, उसका अंदर का था। और इस तरीके से फिट कर लेते हैं। और इसे फिट करने के लिए ये दफ्ती की ज़रूरत पड़ेगी। इस दफ्ती में अच्छी तरीके से फिट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहा था। ये ग्लूगन से पहले मोटर फिट कर लेते हैं। कहाँ पे मोटर लगाना है, यहाँ पे इसे मोटर फिट कर लेते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद में इस घंटी को भी सेंटर देख लेते हैं, कहाँ पर फिट कर लेंगे। वो तो मैंने पहले से ही होल कर लिया था, इसमें बोल्ट डाल लेते हैं। इसे फिट करने के बाद में आपको बताएंगे। ये साइड में ही हम रखेंगे, सबसे ज़्यादा आवाज़ साइड में आएगी, क्योंकि सब लोग बीच में रखते हैं तो उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती है। हर समय उसमें घंटी लगती रहती है, जिस जो मोटर स्पीड में चलता है। इसमें मैंने स्प्रिंग लगाएंगे। और भी ये देखिए, क्लिप है जो फंटी में लगाई जाती है, जो वायरिंग वाली फल्टी है। ये एक स्प्रिंग हो गई, और स्प्रिंग में एक छोटा सा वोल्ट जिसे डिबरी बोलते हैं, नेट, पहले इसे इसमें फांस लेते हैं। ये फंस गई, अब दिखाते हैं डिबरी। ये जो नेट है इसे भी इसमें फांस लेते हैं दूसरी साइड में। ये फांस लिया है, और इसे लगाएंगे सही से मोटर में। अब मोटर से घंटी की इतनी सी दूरी करनी है कि स्टार्टिंग में छुए ना, जब चलेगा तो ऑटोमेटिक छुएगा। तो इसे घंटी से दूर रखेंगे थोड़ा सा साइड में, क्योंकि जब ये घूम कर लगता है तो आवाज़ ज़्यादा करता है। ये इसका बटन रही। विल्डोर भी बना सकते हैं इसे, अगर साइकिल में भी लगा सकते हैं, बहुत से आइटम है इसमें इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसे इन तारों को फिट कर लेते हैं। ये थी फिटकुनी, इसे फिट कर लेते हैं इस तरीके से। ये फिट हो गया, इसको फिट कर लेते हैं। इसे नेट लगा देते हैं दोनों, ये दोनों तार रहे, इसे भी दूसरी साइड में लगा लेते हैं, मिला के उल्टा करके इसे तार लगा लेते हैं बैटरी में। नहीं नहीं, बैटरी में बाद में तार लगाएंगे, उसके पहले एक काम करना है, उसे कर लेते हैं। हर भाई से रहने दे लगाने को। इसको ग्लूगन से चिपका लेते हैं अच्छी तरीके से, इसे साइड में रखेंगे। मेरे हिसाब से जो मैंने फिटिंग की है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करेगी। ये पन्नी निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्लूगन लगा दे तो गिर जाती पहले ही। इसे भी चिपका देते हैं, और इसमें वायरिंग अपने हिसाब से कर लेते हैं, किसी भी तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा सामान साइकिल की दुकान पे मिल जाएगा। कुछ आइटम है जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मिलेंगे, छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक होगी, एक मोटर और ये बैटरी भी मिल जाएगा आपको। तो बेचिंत से आप खरीदिए और बनाइए वेल लाइट, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है, सुनिए गौर से। लाइक करना ना भूलिएगा। एक आपसे बात जरूरी करनी थी कि कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, वीडियो अच्छी हो तो। पहले कोई सजेशन देना हो, या कोई वीडियो पे कमेंट हो, या कुछ भी हो, आप तुरंत बताइएगा। ये रही बनके तैयार। अब इसे बनाते हैं चार्जेबल। ये चार्ज कैसे होगी, इसीलिए मैंने इसमें दो तार वही निकाले हैं जो करंट देते हैं माइनस प्लस का। इन्हें भी लगा देते हैं, प्लस वाला प्लस में लगाएंगे रेड रेड में, और माइनस वाला माइनस में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये भी यहाँ तक कम्प्लीट हो गया, काफ़ी तेज स्पीड से बजा था ये, तो अभी देखा आपने। ये बन के हुआ तैयार। ये केबल है, इसे चाहें तो चार्ज भी कर सकते हैं, हर समय चार्जर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तार है, ये नेट है, ये घूमता है, इसमें लगेगा। बीच में लगा तो हर समय लगता रहता है, उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती है। इसमें एक बार लगता है, घूम के दोबारा आता है, तब तक कुछ सेकंड हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा स्पीड आती है अच्छी तरीके से। ये देखिए,